आज हम बात करेंगे नथिंग फोन वन के बारे में। इंटरनेट पे काफी सारी सर्च वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं, काफी सारा हाइप टेक ट्विटर पे भी, स्पेशली बहुत सारे लोग इस पे सवाल जवाब करे जा रहे हैं। फोन लॉन्च होने वाला है कल, इसका जो ग्लोबल लॉन्च इवेंट है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नथिंग फोन वन से, किस चीजों से बनाए, क्या स्पेक्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटिशन क्या है, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो नथिंग के बारे में आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री दूं, तो नथिंग जो कंपनी है वो बनाई है कार्ल पेई ने। कार्ल पेई वन प्लस इससे पहले उसके को फाउंडर थे, एंड अब वो अपनी एक नई कंपनी लेके आए, जिन्होंने पहले ईयर वन नाम के ANC ईयरफोन्स लॉन्च करे थे लास्ट ईयर। उसके अराउंड भी काफी सारी हाइप क्रिएट की गई थी, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट था कहीं ना कहीं पे उसमें इतना दम नहीं था, जिसकी वजह से वो एक लंबा बेस्ट सेलर नहीं बन पाया। क्या नथिंग फोन वन के साथ भी सेम चीज होगी? वेल, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी जो स्पेक्स हैं उसके बेसिस पे हम आपको एक एनालिसिस दे सकते हैं। डिजाइन के मामले में नथिंग का ये कहना है कि जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर लगे हैं मोर और लेस वो सारे रिसाइकलेबल हैं और बायो फ्रेंडली मटीरियल से बने हैं। एल्यूमिनियम से फोन बना है और जो एल्यूमिनियम है वो भी रिसाइकलेबल है। उसके साथ में जो इसका बॉक्स है वो भी आपकी सॉय इंक से उस पर प्रिंटिंग हुई है, जिसका मतलब है एनवायरनमेंट को बहुत कम हार्म होने वाला है। उसके अलावा डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जिसके बारे में सारी हाइप क्रिएट हुई है, वो ये है कि जो इसकी बैक है वो ट्रांसलूसेंट है, आपको फोन के इनसाइड्स देखने को मिल जाते हैं। काफी सारी LED लाइट्स भी लगी हुई हैं बैक में, जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट आता है या कोई कॉल आती है तो आप उसको अगेन कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही हैं, जिनकी वजह से ये सारा हाइप क्रिएट हो रहा है। तो डिज़ाइन के मामले में पीछे आपको डुअल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिलेगा। कई लोगों का कहना है ये तो आईफोन 12 की तरह बड़ा सिमिलर लग रहा है कि उसकी ग्लास बैक को ट्रांसलूसेंट कर दिया गया हो। उसके अलावा टाइप सी की चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड फ्रंट के अंदर 6.5 इंच की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली OLED की डिस्प्ले यहाँ मौजूद है। इसके अंदर आपको 778G+ प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। वेल, 30,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी अनुमान है कि 35,000 हो सकता है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर जो कॉम्पिटिशन ऑफर करता है, जैसे कि iQOO Neo 6 या फिर पोको F4 या OnePlus Nord 2T, वो कहीं ना कहीं पे जो प्रोसेसर है इससे बेटर है। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है, सेम आपको Poco F4 में भी मिलता है, और Nord 2T के अंदर Dimensity 1300 मिलता है। तो जो Qualcomm Snapdragon 870 है, इसके Antutu benchmark जो scores हैं या बाकी भी जितने benchmarks हैं, उसमें ये सब 778G से बेटर परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन इसकी क्या होगी, वो एक कंपैरिजन वीडियो के अंदर ही हम आपको बता पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ द स्पेक्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, एंड 870 एक प्रीमियम मिड लेवल फ्लैगशिप प्रोसेसर आप कह सकते हैं, वर्सेस जो 778G+ है वो कहीं ना कहीं पे एक मिड लेवल प्रोसेसर ही है। उसकी लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, और जो लिमिटेशंस हैं वो फोन के अंदर कैसे दिखने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। गेमिंग, अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे, 90 FPS पे आप गेम्स को नहीं खेल पाएंगे, जिसका ये मतलब है कि BGMI जैसी गेम्स या COD जैसी गेम्स जिनको आप 90 FPS या अल्ट्रा फ्रेम्स पे खेल सकते थे, एक्सट्रीम सेटिंग्स में खेल सकते थे, वो कहीं ना कहीं पे आप नथिंग फोन वन में नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेक्स एज ऑफ नाउ, 778G+ के जो स्पेक्स हैं उसके हिसाब से। एंड एक और जो इसका मेजर इम्प्लीकेशन कैमरा में है वो ये है कि आप 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 778G+ चिप ही सपोर्ट नहीं करता है दोनों चीज़ों को। इसके अलावा जो डाउनलोड स्पीड्स हैं, इसकी अपलोड स्पीड्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे कम है एज़ कम्पेयर टू द स्नैपड्रैगन 870। तो स्नैपड्रैगन 870 का इस्तेमाल इसमें क्यों नहीं किया गया, वेल ये तो विद टाइम ही पता चलेगा। बट अभी जो हाइप बनी हुई है कि इतनी अच्छी है परफॉर्मेंस देने वाला है एंड ये कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, इन सारी चीजों में मेरे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली अराइज हो जाते हैं अगर मैं स्पेक्स को इसके कंपटीशन से कंपेयर करूं तो। उसके अलावा चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। डुअल कैमरा का सेटअप है, ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ मौजूद नहीं है। IMX766 सोनी का लेंस इसके अंदर मिलेगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एंड दूसरा जो लेंस है वो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो 16 MP का अनुमान लगाया जा रहा है। 4500 mAh की बैटरी और 45 वॉट का फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि
नथिंग फोन 1 के अंदर मिला जाएगा। अगेन ये भी नंबर थोड़ा कम है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। अगर मैं पोको F4 से कंपेयर करूं या मैं OnePlus Nord 2T से कंपेयर करूं या फिर मैं कंपेयर करूं आइकोनियो 6 से, तो ये सारे फोन इससे फास्टर चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी में 65 वॉट है, किसी में 80 वॉट तक का सपोर्ट है, तो चार्जिंग के मामले में भी कहीं ना कहीं पर ये स्लो चार्ज होगा इन कंपेरिजन वाले स्मार्टफोन से। जो फोन का UI होने वाला है वो नथिंग लॉन्चर जो है वो ऑलरेडी एंड्रॉयड ऐप स्टोर के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है। तो हमने वो आइकोनियो 6 पे इंस्टॉल करा है और यूज करके देखा है। क्लीन और मिनिमलिज्म जो थीम है ओवरऑल ब्रांड की, वो इसके UI इसके लॉन्चर के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो थीम है थोड़ी क्लीन थोड़ी डिफरेंट लग रही है, ओवरऑल डिजाइन है। बट अगेन ये फोन के अंदर एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट होती है, एप्स के साथ ये कैसे चलती है, वो हम विद टाइम ही बता पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी हाउ द UI ऑफ द फोन वुड लुक लाइक। सो सवाल ये है कि इतनी हाइप कैसे क्रिएट हुई है। वेल, नथिंग ने ये पहले भी किया है, ईयर 1 के साथ भी बहुत सारी हाइप क्रिएट हो गई थी जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। अब सिमिलरली फोन 1 के साथ भी सेम चीज हुई है। इनफैक्ट कल पे ही जो फाउंडर है उन्होंने खुद ट्विटर पे ट्वीट करके बोला कि हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है, क्या कहीं ना कहीं पे वो इस बात से थोड़े वरीड हैं कि प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है। वेल, ये सब अभी अजम्पशन और स्पेकुलेशंस है, लेकिन ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि जो नथिंग की मार्केटिंग टीम है उन्होंने एक कमेंडेबल जॉब करी है। फिर से ईयर 1 के बाद फोन 1 पे इतनी सर्च हिस्ट्री है इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, गूगल के ऊपर, हर जगह पे लोग सर्च करे जा रहे हैं। क्या ये फिर से जो मैजिक क्रिएट किया था OnePlus ने बैक इन द डेज इनिशियली जब फोन इनवाइट ओनली पे लॉन्च हुए थे, वो इसको दोहरा पाएगा या नहीं, ये अगेन हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। उसके अलावा आपका सवाल अब एक और ये हो सकता है कि फोन को प्री ऑर्डर कहाँ से करें और फोन का लाइव इवेंट कहाँ देखें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोन को प्री ऑर्डर आप फ्लिपकार्ट पे जाके कर सकते हैं। पहले ये एक इनवाइट ओनली मॉडल पे आया था, लेकिन अब ये ओपन टू ऑल यूजर्स हो गया है। आई थिंक 2000 रुपए में आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप उसे कैंसिल करेंगे तो वो आप डेफिनेटली पैसे रिफंड भी करा सकते हैं। उसके अलावा लाइव इवेंट फोन का कल नथिंग की वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके भी आप उसे देख सकते हैं। ये थे हमारे अजम्पशंस स्पेकुलेशंस ऑफ द नथिंग फोन 1, इसका एक डिटेल रिव्यू एंड कंपैरिजन विद पोको F4, आइकोनियो 6, OnePlus Nord 2T। बहुत जल्दी जागरण एटेक पे आने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं हूं पराग त्यागी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।